सो ही गाइस, कैसे हो सभी लोग? गाइस बच्चों की भी अच्छी रहेंगे। सो गाइस, आज हम इस फिगर में लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग फीफर को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस देख सकते हो, फीफर के अंदर मेंटेनेंस लग चुके हैं, फीफर का मेंटेनेंस लग चुके हैं। अगर आप लोग फीफर को अपडेट नहीं करते हो तब आप लोग फीफर को नहीं खेल पाओगे, आप लोग ओपन ही नहीं खेल पाओगे और खेल भी नहीं पाओगे। तो कैसे आपको अपडेट करने फ्री फायर को, कैसे अपडेट कर सकते हो, कहाँ से अपडेट कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेथड है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को जरूर से गाइस इन तक देखने, बहुत सारा कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है? तो इन तक देख लेना गाइस वीडियो को, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ है ना सब कुछ कर लेना। तो चलो गाइस वीडियो को भी स्टार्ट करते, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बैनर में देख सकते हो कि अपडेट के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। तो जो भी कुछ यहाँ पे देख रहे हैं ना, सब कुछ यहाँ पे अपडेट के बाद आने वाले, बहुत सारा कुछ आने का, मतलब बहुत सारा कुछ यहाँ पे चेंजेस आएगा। तो बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा अपडेट के बाद। अभी बात करते हैं कैसे अपडेट करने। चलो भाई, तो फ्री फायर को अपडेट करने के लिए गाइस मैं आपको इस फीफर के अंदर दो मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप लोग फ्री फायर को अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मेथड है, इसमें आपको क्या करना है, आपको आप गूगल में चले जाने, कोई भी गूगल में चले जाओ, मतलब वैसे आपको कोई भी ब्राउजर में ओपन करने, ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करें फ्री फायर करके, जिस टाइप पर फ्री फायर लिखते हैं, उसके बाद इस तरह का पेज आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे का जो वेबसाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो fm.gaina.com करके, तो आपको क्या करना है, इस वाले वेबसाइट के अंदर आपको चले जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, एंड उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड एपीके का एक ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री फायर एपीके करके, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है, मतलब फ्री फायर का जो एपीके है उसको डाउनलोड करना है। और अभी डाउनलोड मत करना आप लोग, अगर वीडियो को मतलब तुरंत ही देख रहे हो तो अभी मत करना, आप लोग लगभग 5-10 बजे के बाद डाउनलोड करना, मतलब रात को डाउनलोड करना है। तो आज है यहाँ पे कितने तारीख है, आज यहाँ पे 25 तारीख है, तो 25 तारीख के बाद आपको डाउनलोड करना है। अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऐड शायद से नहीं हुआ है, तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो, मतलब कि अपडेट करना चाहते हो, तो आप लोगों को 25 तारीख के बाद डाउनलोड करना है, ठीक है? यहाँ पे 25 तारीख के बाद डाउनलोड करना, तो आप लोग आपका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड खेल सकते हो। Okay. और इस चीज़ के लिए आपको पहले का जो फ्री फायर है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले पहले का जो फ्री फायर है उसको अनइंस्टॉल करने, एंड उसके बाद ही जाके इधर से आपको एपीके डाउनलोड करने, उसके बाद जाके उसको इंस्टॉल करने, इंस्टॉल करोगे तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन वाला फ्री फायर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, एंड उसके बाद आप लोग आराम से खेल सकते हो। एंड अभी गाइस बात करते हैं सेकेंड मेथड के बारे में जिससे आपको कोई भी ऐप अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो, प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हो। तो इसके लिए गाइस क्या करना है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करने, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपके पे सर्च करने VPN करके, तो आपके पे VPN सर्च करने, और VPN से कोई भी दिक्कत नहीं होती, मतलब बहुत लोग समझते हैं कि VPN से दिक्कत होती है, तो उतना ज़्यादा कुछ, मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। अगर आप लोग VPN यूज़ करके खेल रहे हो तब जाके थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपडेट वगैरह करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले VPN सर्च करो, उसके बाद आपको बहुत सारे VPN मिलेगा, आप लोग VPN डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी इस वाले VPN को इंस्टॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे इस वाले VPN को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंगापुर का सर्वर मिल जाएगा और इसमें आपको अच्छा खासा मतलब कनेक्शन भी मिल जाएगा। तो क्या करना है, इस वाले VPN को डाउनलोड करना है, उसके बाद ओपन करना है, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर का जो यहाँ पे इस साइड में ऑप्शन देख रहा हूँ लोकेशन वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सिंगापुर सर्वर, सिंगापुर सर्वर आपको फ्री मिल जाएगा, तो आप लोग सिंगापुर सर्वर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इस पर क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इस तरह से कनेक्ट करोगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा, कनेक्ट यहाँ पे पेज आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक न्यू गूगल अकाउंट बनाना है, और गूगल अकाउंट बनाने के बाद उस वाले गूगल अकाउंट से आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, मतलब कि पहले तो प्ले स्टोर ओपन करो, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गूगल अकाउंट को जो है वो स्विच करना पड़ेगा आपको। तो स्विच करोगे उसके बाद आपको फीवर सर्च करने, बस फीफा का जो अपडेट है वो आपको मिल जाएगा, उधर से जाके आप लोग अपडेट कर सकते हो। और अगर पहले से आपके पास सिंगापुर का कोई गूगल अकाउंट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली प्ले स्टोर ओपन कर सकते हो, आपको गूगल अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, बस जो प्ले स्टोर का डेटा है उसको पहले क्लियर करो, एंड उसके बाद आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, एंड उसके बाद जो आपका अकाउंट है उसको स्विच करने, मतलब जो सिंगापुर सर्वर का अकाउंट है, सिंगापुर सर्वर का जो गूगल अकाउंट है उस पर आपको चले जाने, एंड उसके बाद आपको फीफा सर्च करना है, फीफा सर्च करोगे तो आपको फीफा का जो अपडेट है वो मिल जाएगा, एंड आप लोग अपडेट कर सकते हो। मस्त प्लान है। और इस मेथड में आपको आपका पुराना जो फ्री फायर है उसको अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, पुराना फ्री फायर रहेगा, बस अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग फ्री फायर को अपडेट कर सकते हो, प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हो, एंड बाद में खेल भी सकते हो। एंड आप लोग अगर इतना झमेला नहीं करना चाहते हो तो आप लोग फ्री फायर मैक्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आपको फ्री फायर ऐप सर्च करना है, या फिर फ्री फायर मैक्स सर्च करना है, या फिर ऐसे करके फ्री फायर मैक्स सर्च कर लेना, एंड उसके बाद फ्री फायर मैक्स मिलेगी आपको, बस इसको अपडेट करना है। फ्री फायर मैक्स के अंदर भी अपडेट आया है, एंड आप लोग इंस्टॉल अभी तक नहीं किए तो इंस्टॉल का बटन आएगा, बस इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। और इंस्टॉल आपको 2 बजे के बाद करने, मतलब आज 2 बजे के बाद करने, 25 तारीख को 2 बजे के बाद करने इंस्टॉल। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है उसको
डाउनलोड कर सकते हो, खेल सकते हो आराम से। तो झमेला नहीं करना चाहते हो फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल कर सकते हो, इसका जो साइज है वो भी कम होने वाला है। एंड आप लोगों को एक ट्रिक भी मैंने बताया था कुछ दिन पहले, एक वीडियो डाला था, आप लोग इस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कैसे आप लोग फ्री फायर मैक्स को अपने लो एंड डिवाइस के अंदर खेल सकते हो, मतलब कम रैम वाले फोन के अंदर कैसे खेल सकते हो। तो फ्री फायर मैक्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो आराम से। तो बस गाइस वीडियो के अंदर इतना था, मैंने सब कुछ बता दिया, तो इतना ही था वीडियो। वीडियो अच्छा लगा गाइस वीडियो को जैसे लाइक कर देना, एंड इसके बाद चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबाकर पे सीट कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके फॉलो कर सकते हो। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।